लोग स्मार्ट चैनल की तरफ से आज ऐसा एक सब्जेक्ट जनहित में, लोकहित में, आप लोग के बीच में इस चैनल के माध्यम से हम बताया जाएगा कि अगर आप किसी मुकदमे में प्राथमिकी के अभियुक्त हो गए हैं तो उस समय कौन सी कार्रवाई होनी चाहिए। नाउ इफ़ यू आर द एक्यूज्ड ऑफ नेम्ड FIR तो व्हाट्स रिमेडी, उसी पर चैनल के थ्रू हम आपको कुछ मार्गदर्शन देंगे। उम्मीद है कि अगर चैनल पसंद आए तो कृपया उसको प्रचार प्रसार करेंगे, लोगों को अवगत कराएंगे कि ऐसी परिस्थिति में किसी मुकदमे में आप फंस गए हों, आपके ऊपर प्राथमिकी का अभियुक्त हो गए हों, ऐसी परिस्थिति में कौन सी कार्रवाई करनी चाहिए। आपके बीच में स्पष्ट करना चाहते हैं, मुकदमे कई किस्म के होते हैं, उसका कैटेगरी अलग है, मारपीट की घटनाएं हैं, जमीनी संबंधित विवाद है, आपसी में आपा खोकर एक दूसरे के साथ हत्या करने का प्रयास संबंधित FIR होता है, ये हत्याएं हो जाती हैं, या किसी अपराधी घटना में आप फंस जाते हैं, चाहे आपने अपराध किया हो या न किया हो, अगर FIR दर्ज होता है, अगर आपका नाम अगर थाने में दर्ज हो जाए, उस प्राथमिकी में आपका नाम अंकित हो जाए, उसी को ही नेम्ड FIR चाहे प्राथमिकी नाम जद अभियुक्त बोला जाता है। हमारा सीधा गुजारिश है ऐसे लोगों से, अगर आप केस में इन्वॉल्व हो जाते हैं, आप सीधा स्वयं इसको संज्ञान लें, अपने परिवार के साथ एक बैठक करें कि हमारे पर मुकदमा दर्ज हो गया है या हम निर्दोष हैं चाहे हम दोषी हैं, उसको हेड ऑफ द गार्जियन ऑफ द फैमिली जो घर के सदस्य हैं उनको बताएं, और सबको सूचना देते हुए आप सीधा पुलिस स्टेशन पर जो भी रैंक हो, जो SHO हो, इंस्पेक्टर हो, चाहे लेवल DSP तक का लेवल हो, आप सीधा जाएं, वहां अपने को आत्मसमर्पण कर दें और वहां बताएं कि अमुक मुकदमा में हमारे ऊपर प्राथमिकी दर्ज है, हमारे पर अभिन्न धाराओं के तहत हमारे पर ये मुकदमा दर्ज हो गया है। मुकदमे दर्ज की कैटेगरी दो होता है, ये ऐसे बहुत सी धाराएं हैं जिस धाराओं को सीधा उसमें जमानतीय अधिकार है आपका, उसमें जमानत में बहुत सी धाराएं हैं IPC के तहत, ऐसे बहुत सी धाराएं हैं जो अजमानती हैं यानी नॉन बेलेबल में धाराएं, में अगर आप एक्यूज्ड हैं तो उसका बेल देने का अधिकार आपको पुलिस स्टेशन को नहीं है, इसमें भी रेमेडी है। आप सीधा थाने पे जाएं, अगर आपकी जमानतीय धाराएं अगर प्राथमिकी में हैं और ऐसा SHO या जो भी इंस्पेक्टर इंचार्ज जो भी समझते हैं कि नहीं ये आपका अधिकार है, तो निश्चित तौर पर थाने पर आपके दो बेलर के समक्ष आपको जमानत मैंडेटरी उनको देना है। उसके बाद आप स्वतंत्र हो जाते हैं, उसके बाद नेक्स्ट प्रक्रिया होगी आपके अगले चैनल में आपको विस्तृत रूप से बताया जाएगा। अगर आप नॉन अवेलेबल में हैं तो अगर नहीं बेल देने का अधिकार है तो आपको थाना के जो अध्यक्ष होते हैं या अनुसंधानकर्ता होते हैं आपको सीधा न्यायिक हिरासत में लेते हुए आपको बिल्कुल कोर्ट में हाजिर कराया जाएगा, जो प्रोसेस उसकी प्रक्रिया की जाएगी। अगर इसके बावजूद भी कुछ ऐसी अफवाह उड़ती हैं कि नहीं पुलिस में जाने पर पुलिस वाले 3rd degree का यूज़ करते हैं, बेइज्जत करते हैं, मारपीट करते हैं, अगर इससे थोड़ा अप्रिहेंशन हो, अगर शिकायत हो, तो कुछ नहीं, कृपया आप ऑनरेबल कोर्ट के कैंपस में आप सीधे एक लीगल विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से उस प्राथमिकी की प्रतिलिपि को लेकर आप सीधा कन्विंग सेम डे अगले दिन आप न्यायिक जो दंडाधिकारी जो होते हैं ऑनरेबल कोर्ट में आप जाएं, अपने को आत्मसमर्पण कर दें, वहाँ भी यही प्रोसेस है। अगर आपके धाराओं में जमानतीय धाराएं हैं तो मैंडेटरी है कि आपको ऑनरेबल कोर्ट आपको उचित सब बातों पर, तथ्यों पर, साक्ष्यों पर बहस सुन करके वो आपको मुक्त कर सकते हैं। अगर अजमानती है, नॉन अवेलेबल है, तो ऑनरेबल कोर्ट आपको न्यायिक हिरासत में लेकर के आपको सीधा न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा। हमारा चैनल के थ्रू कहना यह है कि कभी भी प्राथमिकी दर्ज होने के बाद कृपया भागे नहीं, एब्सकॉन्ड नहीं करें। अगर आप घर छोड़ कर भाग जाते हैं, पुलिस वाले के पास कोई तथ्य नहीं है आपको बचाने में, ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है, तो निश्चित तौर पुलिस वाले आपके घर पर जाएंगे,
आपको गिरफ्तारी करने का प्रयास होगा, छापामारी होगा, फिर भी आप नहीं भागते हैं तो आपके विरुद्ध प्रोक्लेमेशन, आपके विरुद्ध इश्तहार जारी किया जाएगा। उसके बावजूद भी आप नहीं हाजिर होते हैं तो आपके विरुद्ध कुर्की जब्ती की कार्रवाई की जाएगी, और उसके बाद भी हाजिर नहीं होते हैं तो आपको अंतर्गतवार ये हाईटेक सिस्टम से, मोबाइल के सिस्टम से आपको टैग करके, आपको सर्विलांस पर लेकर के आपकी गिरफ्तारी होना ही है, आप गिरफ्तार होंगे। चैनल के माध्यम से कहना ये चाहते हैं कि जो इस तरह के बीच की प्रक्रिया में अगर आप भागते हैं, आपके घर की परेशानी होती है, आपके घर वाले जो घर के सदस्यों ने मेहनत करके जो घर बनाया है, या बहुत चीज़ें परेशानी करके बहुतों की पढ़ाई बाधित करते हैं, पैसा खर्च होता है, प्लीज़ इस आप चैनल के थ्रू, लुक स्मार्ट के थ्रू हमारा गुजारिश है, कृपया आप भागे नहीं, आप एब्सकॉन्ड नहीं करें, अफवाह की सूचना पर न जाएं, सीधा आप आत्मसमर्पण पुलिस स्टेशन को करें, अन्यथा ऑनरेबल कोर्ट न्यायालय में उपस्थित हों हैं, ताकि कांडों का निष्पादन हो सके, लोगों का विश्वास हो सके। अब पुलिस वाले भी आप आत्मसमर्पण करते हैं तो पुलिस वाले तथ्यों की जांच करेंगे, साक्ष्यों की जांच करेंगे, जो उचित कार्रवाई होगी जो पुलिस के अधिकार क्षेत्र में, निश्चित तौर पर आपको वो प्रदान होगा। आप बिल्कुल कानून को मानेंगे, पुलिस आपके साथ है, आपका ऑनरेबल कोर्ट का नियम भी आपके साथ है, ये चैनल लुक स्मार्ट चैनल आपके साथ है, कृपया फॉलो करेंगे, इसको प्रचार प्रसार करेंगे कि अगर आप नामजद अभियुक्त हैं, इफ़ यू आर द नेम्ड एफआईआर ऑफ द एनी केसेज, डोंट मत भागिए, एब्सकॉन्ड मत होइए, आप सीधा आत्मसमर्पण पुलिस स्टेशन करिए। अगले चैनल में फिर मिलेंगे, आपको विस्तार से बताएंगे। अगर आपको अच्छा लगे, पसंद आवे, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार।